इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको एक हत्या आरोपी दिखाई दे रही हैं जिनका नाम नरेंद्रजीत कौर है, जिन्होंने बड़े शातिराना तरीके से अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया और जिस वजह से अपनी ही सास को मारा वो वजह काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हत्या आरोपी ने इस मामले के खुलासे में ये बताया कि उनकी शादी 15 साल पहले हुई थी और जिनसे शादी हुई थी वो शायद उनसे थोड़ा सा दिखने में ज़्यादा अच्छे थे, तो ऐसे में जो उनकी सास थी वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, यही कहा करती थी कि तुम ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, और इसी बात से नाराज़ होकर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हत्या आरोपी नरेंद्रजीत कौर हैं इन्होंने बड़ी शातिराना तरीके से अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के अमृतसर की हैं, अमृतसर के अजनाला के संसार कला गांव की रहने वाली थी ये, और ऐसे में जो इसमें जिनकी मौत हुई है उनका नाम है अमरजीत कौर, जो डीएसपी हैं अजनाला के संजीव कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, इस हत्या की गुत्थी सुलझाई है। उनका ये बताना था कि 25 तारीख को एक महिला जिसका नाम अमरजीत कौर था उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में अचानक से हत्या हो जाती है, और ऐसे में जब पुलिस की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो अमरजीत कौर के सर पर कई वार के निशान होते हैं, हालाँकि करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उस समय पुलिस को घर वालों पर शक ज़रूर होता है कि इनकी यानी नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि इनकी हत्या की गई है, और इसी वजह से जब इन्हें नरेंद्रजीत कौर को यानी उनकी बहू पर जब शक होता है पुलिस को और जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आती है कि एक बहू ने अपनी ही सास का बड़े शातिराना तरीके से कत्ल कर दिया, और किस तरीके से कत्ल किया अब आप वो सुनिए जो आपको पूरी अपनी जुबानी डीएसपी अजनाला हैं संजीव कुमार वो आपको दिखाएंगे, वो आपको सुनाएंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने 25 तारीख की इस हत्या का जो ये हत्या की गुत्थी थी उसे सुलझा लिया। 25 तारीख नूं सदामिंदर सिंह ने बलस चंद्रा दे उन्होंने थाने फोन किया कि मैनू मेरे भांजे ने फोन आया सी कि मेरी भैन अमरजीत कौर सैंसरे पिंड वो करंट लगन करके मौत हो गई उहदी, तो जो मैं उत्थे जाके वेख्या तो करंट लगन वाले हालात नहीं सन, उहदे सिर ते बड़ी डूंगी सट सी, गर्दन ते चाकू दे निशान सी, होर भी तो मामला उहनूं सारा शक्की लगा, जे घर दे ही बंदे कह के लुको रहे ने कि क्लीयर कट डूंगे जख्म दे निशान ने, तो मामला शक्की होण ते उहने कहा कि शायद मेरे भांजिआं दा इहदे च रोल होवे, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फिर पता लगा कि इहदी जिहड़ी नूंह सी नरेंद्रजीत कौर उहने इह काम कीता, उहदी रंजिश इह सी कि शकल सूरत दी उह थोड़ी सधारण है, उहदा कहना है कि जदों दी मैं विआह के आई हाँ मुंडा वाकई इहदा थोड़ा एज़ कंपेयर टू नरेंद्रजीत कौर थोड़ा कु ठीक है, उहनूं कहिंदे कि मैनूं हमेशा तो 15 साल हो गए वैसे विआह नूं, हमेशा तो इह गल दा अहसास करांदे रहे कि तूं थोड़ी शकल हो इस तरह कि मुंडा साडा सनखा इह हो, चल टाइम तो लंघ गया 15 साल। एक सैकेंड रंजिश इह हो गई कि इहनां दे अमरजीत कौर मरण वाली दे दो मुंडे ने, एक सुरजीत सिंह जिन्हें कतल किया उहदा घर वाला, तो एक छोटा गुरप्रीत, वह दोवां नूं दो दो किले पैली दित्ती है, दोवें जने अपने हिस्से चों जिन्हें भी उन्हों का होया कि ठेका अपनी माँ नूं दिंदे ने, इहनूं लेडी नूं इह वी सी कि किते इह जिहड़ी दो किले जिहड़ी दूसरी जगह हैगी है माता दे नां ते इह वी दूजे मुंडे नूं छोटे नूं ना दे दे, इहो इहने मौका पा के, तो घर कल्ली सी उहदा हसबैंड SGPC सर्विस करदा, बच्चे स्कूल गए सी तो उन्हें पहले बाला मारिया नीचे डिगी गला घुटिया, अन्ने वाह ने 5-7 वार किए चाकू दे मुड़ के बे बनाने वास्ते कि कल मैं कहांगी करंट लग गया, करंट भी लगाया, तो प्रेस की तार गई सी उत्थे उहदे नाल लगाया, तो इहनूं गिरफ्तार कर लिया गया, तो कल 26 तारीख नूं ते अज कोर्ट च पेश किया गया, तो 2 दिन का रिमांड असर किया गया, तो जिहड़े जिस बाले नाल इहने किया सी पहला इनिशियल वार किया वो रिकवर कर लिया वो फर्दिंग साहब से, बाकी ये जो जिस चाकू नाल उन्हें गर्दन से छाती से जो वार किए थे वो बरामद करने वाला जी। यो गल देखने वाली है कि लड़की जी लेडी है 38 साल की उम्र है, शरीर तो वीक लगती है, माता जेडे जिन्हों का कतल होया शरीर तगड़े सन, तो यही गल धोखी जा रही है क्योंकि वो गलबात करने का तरीका ज दूसरा आम कातलों वर्गा नहीं है, जो कन्फेशन भी करता वो मन च कोई